Hi students, I am Atul Rana and I am back with the 11th chemistry. 11th chemistry, chapter 2, okay, chemistry. So, this is the video lecture 6th on the 11th chemistry. Today we will be studying about models of atom. Models of atom, okay. So now, we have come to know that electron, proton and neutron were discovered. Electron was discovered by J.J. Thomson, this proton by E. Goldstein and neutron by this Chadwick. Okay, now the next task for the scientist was to decide that where is electron located in the atom, where is the proton located in the atom and where is the neutron, where are the neutrons located in the atom. Okay, so with the location of all these charges, we will come to know about the structure of atom. Okay, but until now, nucleus was not discovered. In atom, in addition to electron, neutron and proton, nucleus is also there. But up till now, there was no hint about the nucleus that there can be a nucleus or a positively charged thing in the center. Okay. So, meanwhile, J.J. Thomson gave his model. J.J. Thomson model of atom. The first model of atom. Ka model of atom means will determine where is the positive and negative charge situated in the atom. Okay, इसको बोलते हैं watermelon model. It is also called as watermelon model. It is also called as plum pudding model. Plum pudding model. Okay, so this model, J.J. Thomson model of atom, another name watermelon model, and the third name plum pudding model. Okay, so J.J. Thomson, what J.J. Thomson said? J.J. Thomson said, he said that structure of atom is similar to the structure of watermelon. वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज. उसने बोला कि जैसा तरबूज का स्ट्रक्चर होता है वैसे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है. सॉरी, जैसे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है एटम का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है. अब वाटरमेलन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, जैसे वाटरमेलन मैंने काट दिया, काट के क्या आएगा, पीछे पीछे क्या आएगा, सारा का सब रेड हिस्सा होगा और बीच में क्या होंगे, बीज होंगे. वाटरमेलन में क्या होता है, पीछे पीछे सारा क्या होता है, वाटरमेलन में क्या था, वाटरमेलन में देखा होगा कि सारा लाल होता है, ऑल द वाटरमेलन इज रेड, पर बीच बीच में क्या होता है, सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के. ओके, सो ही कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम विद द वाटरमेलन. ही सेड दैट जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही एटम होता है. वाटरमेलन में जो रेड कलर होता है, दैट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम. समझे बात को, कि वाटरमेलन में जो रेड कलर होता है, ठीक है, वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है. जैसे रेड कलर हर जगह फैला हुआ है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज एटम में हर जगह फैला हुआ है. ओके, और उसने बोला कि सीड्स ऑफ द वाटरमेलन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स. उसने बोला कि वाटरमेलन के सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. एटम्स में वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ है रेड कलर की तरह, और बीच बीच में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, लाइक द सीड्स ऑफ द दिस सीड्स ऑफ द वाटरमेलन. वाटरमेलन के सीड्स रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को, और उसका रेड पोर्शन रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम को. मींस रेड चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम हर जगह फैला हुआ है, और बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं. तो ही कंपेयर्ड द, इसने एक मॉडल दे दिया, इसको प्लम पुडिंग मॉडल क्यों बोला गया. प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब है जैसे तुमने खीर बनाई होती है, तो खीर का जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज. उसमें जो प्लम पड़ा होता है बीच में, मान लो दाग पड़ी है या क्या नाम उसका, बादाम पड़ा हुआ है, तो बीच में क्या, जो प्लम पड़ा बीच बीच में, खीर जो है जो व्हाइट वाला हिस्सा, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और उस पे जो दाग पड़ी है, दैट किशमिश है, दैट इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. सो ही कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम टू अ वाटरमेलन और अ प्लम पुडिंग, ठीक है. बट ये फेल हो गया, फेलर बोलो या इसको बोलो उसके ड्रॉबैक्स, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, फेलर उसके ड्रॉबैक्स क्या थे. ओके, इसका फर्स्ट फेलर आ गया, न्यूक्लियस के बारे में इसमें कोई बात नहीं की,
न्यूक्लियस के बारे में इसने कोई बात नहीं की, ठीक है। आज हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बारे में इसको कोई आइडिया नहीं था। सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब खड़े है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, बट ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेशनरी, बीच में पड़े हुए हैं। तो दीज वर द टू ड्रॉबैक्स, छोटा सा मॉडल था, बिल्कुल स्टार्टिंग का मॉडल था एंड इट वॉज रिजेक्टेड। ओके, गेटिंग द पॉइंट। अब नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और अल्फा ही रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने भी एक मॉडल ऑफ एटम दिया था, जे के थॉमसन ने दे दिया था कि ऐसा है, रदरफोर्ड ने कुछ और बोला, दैट विल स्टडी। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट मॉडल। इन द अदर लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लास 11 केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11 केमिस्ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 11 केमिस्ट्री, दिस चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, टुडे वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। जे जे थॉमसन ने जो अपना मॉडल ऑफ एटम दे दिया था, इसके बाद वो फेल हो गया। नाउ केम द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना मॉडल दिया, पर मॉडल देने से पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये किसने किया था, रदरफोर्ड ने, किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब इसने व्हाट ही हैज डन इन द एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी। ओके, इसने क्या किया, इसने एक लेड ब्लॉक लिया, किसका ब्लॉक लिया, लेड ब्लॉक, इसने ले लिया लेड ब्लॉक, ध्यान से देखना क्या, इसने लेड ब्लॉक, पीबी ब्लॉक, लेड का ब्लॉक ले लिया, ठीक है। उसमें उसने कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट डाल दिया, कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट उसने डाल दिया, ठीक है। अब लेड ब्लॉक लिया, लेड मतलब लेड मेटल है ना, उसका ब्लॉक लिया, ठीक है। लेड का ब्लॉक इसलिए लिया बिकॉज लेड क्या होता है, लेड की डेंसिटी ज्यादा है, लेड की डेंसिटी क्या ज्यादा है, तो जैसे ये रेडियोएक्टिव, बीच में क्या ले लिया इसने, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ओके। दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट कोई भी सकता, फॉर एग्जांपल उसने रेडियम ले लिया। नाउ रेडियोएक्टिव एलिमेंट क्या होता है, एन एलिमेंट व्हिच रिलीजेस अल्फा बीटा एंड गामा रेज, एन एलिमेंट व्हिच रिलीजेस अल्फा बीटा एंड गामा रेज, दैट इज नोन एज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, उसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसने रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लिया, ठीक है, यहां पे इसने क्या किया, अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट से जो रेज निकलेगी वो क्या होगी, लेड ब्लॉक उनको बाहर नहीं जाने देगा, बिकॉज लेड ब्लॉक हैज हाई डेंसिटी, जो उनको एब्जॉर्ब करके रखेगा, ठीक है। अब यहां पे उसने क्या लगा दिया, स्लिट लगा दी, स्लिट समझते हो, मतलब बीच में कोई फट्टी थी उसमें थोड़े से जाने का स्पेस थी, स्लिट लगा दी, उसने क्या लगा दी, स्लिट लगा दी, दिस इज नोन एज स्लिट, स्लिट मतलब कोई बीच में मेटल की परत लगा दी, बीच में थोड़ी सी जाने को जगह, दिस इज स्लिट, दिस इज स्लिट, उसने स्लिट लगा दी। अब यहां से अल्फा रेज निकली, अल्फा रेज, ठीक है, यहां से निकली अल्फा रेज, अल्फा रेज निकली, ठीक है, बीटा और गामा रेज को नहीं जान दिया, ओनली अल्फा रेज वर यूज्ड, ओनली अल्फा रेज वर यूज्ड, ओके। स्लिट लगा दी, अल्फा रेज यहां से निकली, स्लिट लगाने का पर्पस ये था सो दैट कि वो स्कैटर्ड ना हो, अल्फा रेज मूव थ्रू अ सिंगल फोकस्ड पॉइंट, स्कैटर्ड ना हो, ये लगा दिया। आगे क्या किया उसने, आगे उसने गोल्ड की फॉइल लगाई, आगे इसने किसकी फॉइल लगाई, गोल्ड की फॉइल, किसकी फॉइल लगाई, गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल, फॉइल जानते क्या होता है, जैसे तुम वो रोटी नहीं पैक करते हो तो पतली सी सिल्वर कलर की फॉइल आती है रोटी पैक करने के लिए, दैट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को पीट पीट के इतना पतला किया जाता है बिकॉज मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल, तो मेटल मैलेबल होते हैं, पीट पीट के शीट्स बनाई जा सकती है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल मेटल, इसलिए गोल्ड की फॉइल इस्तेमाल की ताकि इसको मैक्सिमम पतला किया जा सके, गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल एलिमेंट, उसको मैक्सिमम पतला किया जा सके, सो दैट अल्फा रेज रुके ना, अल्फा रेज निकल जाए, ठीक है, बिकॉज अल्फा रेज हैव लेस पेनिट्रेटिंग पावर देन बीटा एंड गामा रेज, बीटा और गामा जल्दी निकल जाती है, किसी को चीज को फाड़ के निकल सकती है, अल्फा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर थोड़ी कम है, हमें अल्फा रेज चाहिए, अल्फा रेज क्या सी होती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है, अल्फा रेज का स्ट्रक्चर, अल्फा रेज मान लो हीलियम एटम है, अल्फा रेज हीलियम एटम की तरह है, जिनका मास इतना है चार और चार्ज इतना है अल्फा रेज के ऊपर, दीज आर अल्फा रेज, जस्ट लाइक हीलियम एटम, चार्ज आके प्लस टू, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है और मास आके चार, ठीक है, तो ये अल्फा रेज थी, बीच में गोल्ड फॉइल लेगी ताकि निकल जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, यहां पे एक कवरिंग लगा दी थी, क्या लगा दी थी, कवरिंग,
जैसे अल्फा रे जाती थी बाकी सारा का स्पेस क्या था, कवर था। गोल्ड फोल के ऊपर देखो बाकी सारा का स्पेस क्या था, एक गोल्ड फोल आएगी, गोल्ड फोल आएगी मीन एयू, एयू गोल्ड की फोल आएगी, ठीक है। बाकी सारा स्पेस क्या था, कवर था। बाकी सारा स्पेस क्या था, कवर था। बाकी सारा स्पेस क्या था, कवर था, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि मैक्सिमम अल्फा रेस सीधी निकल गई, मैक्सिमम अल्फा रेस क्या निकल गई, सीधी निकल गई, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा रेस क्या निकल गई, सीधी निकल गई, ठीक है। अल्फा रेज आर देमसेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, एटम में से सीधी निकल गई। इसके बाद दूसरा डायग्राम तुम इस तरह बनाता हूं कि मैक्सिमम अल्फा रेस क्या थी, वो सीधी निकल गई, ठीक है। अगर देखो अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेस, अगर भी एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चीज होती तो वो पॉजिटिव अल्फा रेज है और पॉजिटिव वो चीज है तो रेज को डिफ्लेक्ट कर देती, ठीक है, डिफ्लेक्शन आती। अगर कोई नेगेटिव चीज होती तो वो रेज को पीछे पहुंचने नहीं देती, पीछे किसकी कवरिंग लगा देती, जिंक सल्फाइड की, ताकि पता लग जाए, जिंक सल्फाइड की कवरिंग लगा देती। अगर अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्जेस, अब एटम में से गुजर रही है, अगर एटम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो अल्फा पॉजिटिव है, वो भी चार्ज पॉजिटिव होता, अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो जाती, ठीक है। अगर एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो अल्फा रेज पीछे नहीं पहुंचती, अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाती, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द रेज क्या थी, सीधी निकल गई। मोस्ट ऑफ द रेज क्या निकल गई, सीधी निकल गई। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो, मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं, सीधी निकल गई, ठीक है। और सम ऑफ द रेज फ्रॉम द सेंटर गॉट डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल, और कुछ रेज की क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी, कुछ रेज क्या करगी, डिफ्लेक्ट करगी, कुछ रेज क्या करगी, सम ऑफ द रेज गॉट डिफ्लेक्टेड, सम ऑफ द रेज गॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है। अल्फा रेज डिफ्लेक्शन होने का मतलब है बीच में कोई पॉजिटिव चीज है, मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन हुई थी वो सेंटर ऑफ द एटम से हुई थी, इसका क्या मतलब है कि बीच में कोई पॉजिटिव चीज है, ठीक है। यहां तक समझ आया, मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, बट कुछ रेज क्या थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट एट वेरियस एंगल्स, एट वेरियस एंगल्स, एक एंगल पर डिफ्लेक्ट नहीं हुई, बड़े सारे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होगी। मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, एंड कुछ जो होगी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर पे एटम के सेंटर से वेरियस एंगल्स पर डिफ्लेक्ट होगी, ओके। तो इससे पता लग गया कि सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज है, बिकॉज पॉजिटिव रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय पॉजिटिव थिंग ओनली, बीच में कोई पॉजिटिव चीज है। अब इस तरह देखो, मैं बना रहा हूं थोड़ा सा, अगर मान लो पॉजिटिव चीज थी वो स्क्वेयर होती है, अगर मान लो न्यूक्लियस के बीच में जो पॉजिटिव चीज है वो स्क्वेयर होती है, तो रेज का एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है, रेज एक एंगल पर डिफ्लेक्ट होती है। अब ये डिफरेंट एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव रेज आर गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव थिंग प्रेजेंट इन द सेंटर, तो इसका मतलब है कि वो चीज जो सेंटर में है वो स्फेरिकल है, क्योंकि स्फेरिकल चीज ही वो क्या करेगी, सिर्फ स्फेरिकल चीज ही है, अगर पॉजिटिव जो बीच में सेंटर में पॉजिटिव थिंग है विच इज कॉजिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा रेज, दैट मस्ट बी स्फेरिकल, क्योंकि स्फेरिकल होगी तभी ये डिफ्लेक्शन वेरियस एंगल्स आ सकती है, अगर स्क्वेयर हुआ रेक्टेंगुलर हुआ तो डिफ्लेक्शन सेम एंगल पे आएगी। सो द ये बात समझ आ गई, तो मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड चलेगी, इससे क्या पता लगा, मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए चलेगी, इसका पता लगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, क्योंकि अगर वो वहां पे एम्प्टी ना होता, पॉजिटिव होता तो डिफ्लेक्शन हो जाती, नेगेटिव होता तो पीछे न लगती है, पीछे दिखाई नहीं देती जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो मोस्ट ऑफ द स्क्रीन हमें पीछे दिखाई दी, मोस्ट ऑफ द रेज हमें दिखाई देगी पीछे निकल जा रही है, ना डिफ्लेक्ट हो रही है ना अब्सॉर्ब हो रही है, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। सेकंड, डिफ्लेक्शन हुई एट वेरियस एंगल्स, नॉट एट अ सिंगल एंगल, वेरियस एंगल्स हुई, इसका मतलब डिफ्लेक्शन मींस देयर इज अ पॉजिटिव थिंग इन द सेंटर एंड दैट पॉजिटिव थिंग इज स्फेरिकल इन शेप, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्शन इज इन वेरियस एंगल्स, ओके। तो देखो क्या बना, अब इससे देखो गॉट इट, इसकी तुम्हें एक पिक्चर और देता हूं मैं, लुक एट दिस पिक्चर आल्सो, लुक एट दिस पिक्चर आल्सो, इसका क्या मतलब है, देखो ये था न्यूक्लियस, ये था न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द रेज सीधी निकल गई, सीधी निकल गई विदाउट डिफ्लेक्शन, विदाउट डिफ्लेक्शन निकल गई, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम is empty, it means most of the space inside the atom is empty, zyada space atom ke andar empty hai, okay। second, deflection hui
some rays got deflected. Deflection also was there. Deflection was also there. Deflection was also there. Deflection was at different angles. डिफ्लेक्शन का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, ये अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज है, बता दिया ना प्लस टू चार्ज के ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड अ पॉजिटिव थिंग, ओके, सो डिफ्लेक्शन अकर्ड एट द सेंटर, डिफ्लेक्शन अकर्ड एट द सेंटर, डिफ्लेक्शन अकर्ड एट द सेंटर, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स एट द सेंटर, एट द सेंटर सम पॉजिटिव मास इज प्रेजेंट, पॉजिटिव चीज है कोई, सम पॉजिटिव मास इज प्रेजेंट एंड डिफ्लेक्शन अलग अलग एंगल पे थी, नॉट एट द सेम एंगल, एंड दिस थिंग इज स्फेरिकल इन नेचर, दिस थिंग इज स्फेरिकल इन शेप, और ये क्या है स्फेरिकल, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, पॉजिटिव मास है बट दैट इज स्फेरिकल इन शेप बिकॉज द डिफ्लेक्शन वाज एट वेरियस एंगल्स, ओके, सो इस तरीके से ये जो पॉजिटिव थिंग थी इट वॉज इन द सेंटर, लेटिन भाषा में सेंटर बोलते हैं न्यूक्लियस, तो इसका नाम क्या दे दिया इसने इस चीज का न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम दे दिया न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम दे दिया न्यूक्लियस, सो इन दिस वे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, इन दिस वे रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, लगे पता, मोस्ट ऑफ द रेज वेंट अनडिफ्लेक्टेड मींस स्पेस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है, सम ऑफ द रेज गॉट डिफ्लेक्टेड बट एट डिफरेंट एंगल्स, मींस देयर इज अ पॉजिटिव मास बट दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप बिकॉज़ द डिफ्लेक्शन गॉट एट वेरियस एंगल्स, ओके, सो दिस इज ऑल, गेटिंग द पॉइंट, अब इसने न्यूक्लियस को तो डिस्कवर कर दिया, ठीक है, पॉजिटिव चीज भी बता दी न्यूक्लियस से पहले, जेरी थॉमसन को पता नहीं था, अब इसके बाद इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में क्या बोला, सो अब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, अब उसने एटम के बारे में क्या बोला, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, बीच में एक न्यूक्लियस है, बीच में क्या है न्यूक्लियस है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कहां पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इसने इतना सा बोल दिया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेंटर में पड़े हैं न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, कैसे, जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अब न्यूक्लियस को उसने क्या मान लिया, सन मान लिया, और इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या मान लिया, प्लैनेट्स मान लिया, तो बोलते जैसे प्लैनेट्स सन के अर्थ रिवॉल्व करते हैं वैसे क्या है न्यूक्लियस के अर्थ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसने मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस को क्या नाम दिया, प्लैनेटरी मोशन, क्या नाम दिया, कौन सा नाम दिया इसने, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी मोशन क्यों, बिकॉज जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में ये बोला, ठीक है, बट दिस एटम ऑल्सो, दिस मॉडल ऑल्सो गॉट फेल्ड ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये देखो मॉडल फेल कैसे हो गया, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल, मैक्सवेल ने क्या बोला, मैक्सवेल ने बोला कि मैक्सवेल ने बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट इट लूजेस एनर्जी, ठीक है, मैक्सवेल ने क्या बोल दिया, एक अगले साइंटिस्ट आए थे इनके बाद में, कि कब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट होगा जब ये नीचे जाएगा, ठीक है, तो स्पीड कम होगी, अब एक सर्कुलर मोशन में जैसे स्पीड नहीं होती है, सर्कुलर मोशन में एक जैसी स्पीड नहीं होती, कभी स्पीड आगे पीछे हो सकती है, तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, तो एनर्जी लूज करेगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है एक्सेलरेट करता हुआ, तो एनर्जी लूज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा तो पास आ जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो इसमें गिर जाएगा, एनर्जी लूज करेगा तो पास आ जाएगा, और एनर्जी लूज करेगा तो पास इसमें गिर जाएगा, तो अगर मैक्सवेल की थ्योरी सही थी उसके अनुसार अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहा तो एनर्जी लूज करता रहेगा, फिर न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, रिलेटिविटी न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, इट मीन एटम इज नॉट स्टेबल, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन उसमें गिर जाएगा, बट एटम इज स्टेबल बट रदरफोर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वैसे घूमते हैं, तो मैक्सवेल ने बोला वैसे घूमेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें नीचे गिर जाएगा एनर्जी छोड़ता हुआ, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया, ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ओके, अब इसका सेकेंड मेन ड्रॉबैक था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अब लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये मेरे अगले लेक्चर्स में आपको पता लग जाएगा, ओके, अब इसको फिलहाल लिख लो, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम,
ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है, व्हाट इज दिस लाइन स्पेक्ट्रम? यू विल बी विद मी, यू विल कम टू नो लेटर व्हाट इज दिस लाइन स्पेक्ट्रम.